पोशाक का निर्माण गौरवशाली अतिथि कौन शासकों के लिए जाना जाता है। इस गौरव के श्रेय इसकी शिक्षा को दिया जाता है। ऐसी एक प्रणाली है गुरुकुल जो कि शिक्षा का सबसे पुराना तरीका है। इसमें छात्रों को कम उम्र में अपना घर छोड़कर जाना पड़ता था और कम उम्र में घर छोड़ने के कारण वह अपना विकास समझ का विकास नहीं कर पाते थे। और ना ही माता पिता अपने बच्चे को समझ पाते थे जैसे से क्या पसंद है बच्चे की किस विषय में बुद्धि आदि। यह कई फायदे प्रदान करती है पर दूसरी ओर इसके कई खामियां भी हैं। गुरुकुल छात्रों को राजनीति में संगीत से की कठोर बातों से दूर रखता है। इसलिए जब बच्चा वापस लौटता है तो वह वास्तव में दुनिया में खोया हुआ महसूस करता है। ऐसा एक बड़ा मकसद यह है कि इसके शिक्षा में सब कुछ मौखिक रूप में समझाया जाता था और आपसे यह उम्मीद की जाती थी कि आप उसे सटीकता से याद रखेंगे। यह हासिल करना काफ़ी मुश्किल था। छात्रों को अपने गुरु की कई बातों का पालन बिना बहस करे करना पड़ता था और ज़्यादातर गुरुकुल में एक ही शिक्षक पढ़ाता था तो छात्र सिर्फ एक ही शिक्षक का ज्ञान प्राप्त कर पाते थे। इन ऐसे ही कई बदलाव किए गए और जब हुआ आधुनिक शिक्षा का इसमें अच्छे से समझाया जा सकता था जैसे लिखित रूप में लिखना अच्छे से बोलना आदि। कोरोना काल के बाद शिक्षक घर बैठे बच्चों तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न किए गए। शिक्षक बच्चों को ईमेल वीडियो सीडी मीटिंग के सहारे से पढ़ा सकते थे और इससे बच्चे अपने शिक्षक और सहपाठियों के साथ तर्क करने का भी मौका देते थे। यह काफी अच्छी शिक्षा है पहले के मामले में। धन्यवाद आपका देश को।